you. That's how it's done. Threat neutralized. Good. I have a plane to catch. हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम और स्पाइडरमैन से रिलेटिव काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जिसमें कि एवेंजर एंड गेम का सबसे बड़ा अपडेट है मेरे पास। और देन इसी के साथ साथ मेरे पे काफी सारे छोटे मोटे अपडेट्स हैं, जो कि डीजी के और देन आगे इंटरनल्स मूवी के भी अपडेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहला काफी कमाल का अपडेट है एआर रहमान से रिलेटिव, जो कि एवेंजर एंड गेम में एक सॉन्ग गाने वाले हैं। अब एआर रहमान को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम गाया है, उसके बाद वो ऑस्कर विजेता भी हैं और इंडिया में उन्हें काफ़ी अच्छे लेवल पे माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है एआर रहमान को। अब आपको याद होगा स्पाइडरमैन अमेजिंग में सनम एक बैंड है, उन्होंने गाना दिया था मैं हूँ, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। अब ये मौका मिला है एआर रहमान को एवेंजर एंड गेम में एक सॉन्ग देने का। अब बहुत बड़ी बात है, अगर ये सॉन्ग हिट हो गया तो मेरे हिसाब से एआर रहमान और लेवल ऊपर पे चले जाएंगे, क्योंकि मार्वल फैंस के बीच में जो चीज़ प्रमोट जब वायरल होती है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो एवेंजर एंड गेम का ये सॉन्ग रिलीज होने वाला है 2 अप्रैल को। अब 2 अप्रैल को क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो 2 अप्रैल को आ रहे हैं जू रूसो ब्रदर्स, जी हाँ, वो भी मुंबई में। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक ये मुंबई में रहेंगे और काफ़ी बड़ा इवेंट है। और बुक माय शो पे तो सारी टिकट बिक भी चुकी हैं, यानी कि मैं सोच रहा था कि टिकट को बुक करूँ बुक माय शो पर वो सारी सोल्ड आउट हो गई और मैं अनलकी पर्सन रहा। और देन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मुंबई में ताज आइलैंड एक जगह है, आप मैप भी देख रहे होंगे रेड डॉटेड पर, अगर आप उस इवेंट में जाते हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली वीडियो सेंड करना, मैं आपको शॉर्ट आउट देके वो वीडियो फुली बनाऊंगा आपकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग लेकर। और देन अगला अपडेट है एवेंजर एंड गेम की रन टाइम से रिलेटिव, तो 3 घंटे 2 मिनट की मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूं। और देन इससे रिलेटिव मैं सही बता रहा हूं, खुशी मेरे को कहीं पर भी नहीं हुई। मुझे क्या मतलब कि टोनी क्या कर रहा है, पर मूवी 3 घंटे 2 मिनट की, इससे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और ये रिबिल्ड करा AMC थिएटर ने। देन अगला अपडेट है कैप्टन मार्वल से रिलेटिव, तो उसमें जो बिल्ली थी उसका टोटली वर्क 80% CGI था, बाकी 20% ओरिजिनल था। तो हमने कैट को देखा ट्रेसरेट क्यूब अंदर लेते हुए, वो टोटली सब CGI द्वारा था और जितने भी सीन थे सब कुछ पूरा। उसके बाद मॉर्गियस की सेट फुटेज रिलीज हुई है, जिसमें कि हमें सिल्वर का पहला मतलब कह सकते हो आप हिंट मिली है, कर्नेज की पहली हिंट मिली है और देन वेनम की छोटी सी हिंट मिली है। और मॉर्बियस की जो सेट फुटेज रिलीज हुई है उसमें काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, दांत उनके नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, तो काफ़ी कमाल का है। और देन ये सेम लुक कॉमिक बुक में भी है। और देन अगर मैट की बात करें, जो कि इस मूवी में है छोटे से बिहाइंड द सीन में, तो आपने इन्हें फैंटासी बीस्ट में देखा होगा। अब अगला अपडेट है स्पाइडरमैन की मूवी से रिलेटेड। काफ़ी लोग निराश हो गए थे कि स्पाइडरमैन का ट्रेलर लॉन्च क्यों नहीं हुआ, मुझे भी काफ़ी लोगों ने पूछा। देन अपडेट काफ़ी टाइम पहले आ गया था पर वीडियो बनाने का अब समय मिला। तो स्पाइडरमैन का ट्रेलर इसीलिए लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि उसका जो सेकंड ट्रेलर था उसमें इतने सारे स्पॉयलर्स थे जो कि एवेंजर एंड गेम की टाइम लाइन को रिवील कर सकते थे। तो मार्वल स्टूडियो ने फैसला करा कि वो एवेंजर एंड गेम से पहले कुछ भी लॉन्च ना करें स्पाइडरमैन का, यानी कि पॉसिबिलिटी जो हमने अभी 3 पोस्टर देखे, अब इसके बाद मुश्किल ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो मार्वल स्टूडियो ने अभी ये डिसाइड करा है कि वो स्पाइडरमैन का सेकंड ट्रेलर एवेंजर एंड गेम की रिलीज होने के बाद ही लॉन्च करें, यानी कि हमें एवेंजर एंड गेम से पहले कुछ भी देखने को मिलेगा। पर मैं सही बताऊं, मैं इस बात से भी खुश हूं, मैं एवेंजर एंड गेम के आगे पीछे किसी को देखना ही नहीं चाहता। देन अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का इंटरनल्स का, तो फाइनली एंजेला जोली उनको कास्ट कर लिया गया है इस मूवी में ऑफिशियली। देन उन्होंने इस बारे में बात भी करी थी और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, और ये टॉपिक आज सुबह का है मॉर्निंग का, तो आप 6:30 बजे ये वीडियो देख रहे होंगे और ये टॉपिक है आज मॉर्निंग का। तो कंफर्म हो गया कि एंजेला जोली इंटरनल्स मूवी में होंगी और ये किसी एक फीमेल और काफ़ी अच्छे सुपर हीरो का कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, शायद विलेन भी हो सकती हैं। देन उसके बाद अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, तो एवेंजर एंड गेम का एक नया पोस्टर लॉन्च हुआ है जो कि अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं करा गया, पर इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि वो किसी शॉप के आगे लगा हुआ है। देन डार्क साइड का ऑफिशियली एक लुक जो कि हमें जस्टिस लीग में नहीं दिखाया गया। और देन वंडर वुमन का भी लॉन्च हुआ जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, जो वंडर वुमन का लुक है वो इतना कमाल का है कि आपने ये सेम कॉमिक बुक में देखा होगा। देन ये मेरे को आपको फोटो चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डाल दिया, आप जाके ले सकते हो। उसके बाद बर्ड्स ऑफ पेरी का काफ़ी कमाल का अपडेट, तो इनके जो विजुअल कंपोजर और एडिटर हैं वो इस मूवी में काम करेंगे और वो ऑलरेडी ब्लैक पैंथर मूवी और एंड विन द वास में काम कर चुकी है। देन उसके बाद सजैम का सेकंड सीक्वल कंफर्म हो चुका है और इनके जो एक्टर हैं जेनली उन्होंने खुद ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो सेकंड पार्ट में जल्दी ही काम करें और ब्लैक एडम के साथ भी।
और देन एवेंजर एंड गेम का जो इवेंट होने वाला है 2 अप्रैल को और 1 अप्रैल को ताज आइलैंड पर, तो मुझे यार वीडियो जरूर सेंड करना जो भी इस इवेंट में मौजूद होगा। और उसके बाद आयरन मैन का वीआर जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो प्लेस्टेशन 4 में जल्दी लॉन्च होने वाला है 2019 में, तो जिसके पास भी ये गेम हो तो मजे लो यार, हम तो नहीं ले पाएंगे। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।